मीर बिलाल सोच के रखा हुआ है, तो आप तो फाइनल है मीर बिलाल जी आपने सोचा हुआ है, कोई और नहीं आपने नाम सोचा, फिर पक्की बात है यही रखेंगे। चलो जी अभी जारियान जयान नहीं, हम जावियार रख देते हैं। जावियार ये लड़की का नाम नहीं है वैसे, नहीं, लड़के का। लड़के अगर यही बात है तो हम इसका नाम रखेंगे मुमताज। जैसे पापा आते हैं फिर हम लोग निकलते हैं शादी पे, वहां पे जाके देखते हैं यार भूख बड़ी लगी। आपको पता है आपके भाई ने सिर्फ खाने पीने जाना है और क्या है, वहां पे जाके सिर्फ दो तीन लड़कियां शड़कियां देख लेंगे अपने लिए बस अच्छी। ओ भाई मार यार, क्या हुआ क्या? वो बहुत बुरा मारा यार बंदा, मजाक मजाक आ रहा था, समझो यार समझो, मजाक आ रहा था मैं, बहुत बुरा बजा यार मुझे। पहले टेस्ट करते हैं आप सोप वगैरह ना, क्या सीन है। पापा बैठे हैं सामने तो इस वजह से लेफ्ट हैंड नहीं यूज करने वाले हम। काफ़ी वेट करने के बाद आप जो है खाना वगैरह आ गया, आप खाना स्टार्ट किया है, वो बाबा वगैरह लगे हुए हैं और मैं अपना मुंह नहीं लेके आऊँगा। आवाम सारी खड़ी देख रही है भाई इधर उधर, समझ आया करो ज़रा, मिट्टी पा दियो मिट्टी पा दियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज भाई आपका भाई जो है ना जुमा वगैरह पढ़ के सारा ना जरा फेस जरा नीट करवा के आ गया। मैंने कहा यार एक बार व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल एंडिंग जब व्लॉग कर रहा था ना बड़ा फेस जो है ना बुरा लग रहा था, तो अब सारे काम वगैरह करके आपका भाई फ्री हुआ तो मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं और अपना जो है ना बेबी के साथ थोड़ी सी मस्ती शस्ती करते हैं। आज तो जनाब ने नहा भी लिया, फिर गंदा हुआ, फिर गंदा हुआ। ये नहीं, ये फेस को हुआ क्या इसके? बताती हैं आप, मैडम भी फ्रेश फ्रेश लग रही हैं आज, नहा लिया इन्होंने भी। क्या हुआ क्या यार ये? ओए ओ है ये, मतलब ये दूध लगा हुआ है? अच्छा फिर सही है, मैं डर गया, मैं पता नहीं क्या हो गया इसको भाई। यार सबसे पहले ना अभी जो है ना आज हम लोगों ने डिसाइड भी करना है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लाजिम नेम बताना। चार पांच जो है ना मतलब फैमिली ने नाम सोच के रखे हैं, मीरब ने भी सोचा हुआ, मीरब ने पिकाल वाले ब्लॉग में भी बताया था, मीर बिलाल सोच के रखा हुआ है, तो आप तो फाइनल है मीर बिलाल जी आपने सोचा हुआ, कोई और नहीं आपने नाम सोचा, फिर पक्की बात है यही रखेंगे। चलो जी अभी देख लेते हैं यार, दो तीन नाम है, आरिश है, आहिल है, और नानों ने बोला हुआ था अबू बकर, मीरम ने मीर बिलाज, एक मीर दाइम, मतलब अलग अलग नाम है। मैं मतलब सारे मेंशन वगैरह कर दूंगा आप लोगों को, फिर आप लोग सेलेक्ट करना यार नाम क्या रखें बेबी का। हमने वैसे ये सोचा था कि ए से मेरा नाम शुरू होता है और ए से ही आपकी भाभी का भी शुरू हो रहा है, तो हमने सोचा था तीसरा जो है ना वो भी ए से ही हम लोग नाम बनाएंगे, तो आपका तो फिर एम है। एम एम नहीं ना, ए से नाम नहीं रखेंगे हम। ये क्या हुआ इसको, क्या हो जाता है एग्जाम से? अरे वो कह रहे पापा पहले मुझे भी लेके आओ वो लोग में, मैं भी वो लोग में आऊँगा। चुप हो गया, नहीं जोर लगा रहा, जोर लगा रहा। ओए लाल हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। थोड़ी देर बेबी के साथ खेल लेंगे, उसके बाद फिर बाकी का शेड्यूल आपको बताता हूँ। आज जाना है शादी पे, उसके लिए भी आपके भाई ने डैडी शैडी होना है, सारा मस्ती शस्ती जितनी भी होगी आप लोगों को डेली दिखाएंगे, टेंशन ना लो। अभी तो ये दादी माँ जरा बैठी हुई है ना बीमार, वो देखो जरा। क्या बोला तूने, पहले क्या बोला? चल बीमार है बहुत ज्यादा, ओहो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है आपने क्या नाम सोचा फाइनल, मतलब होता है ना कि यही रख देना? अच्छा मतलब अबू बकर कैंसिल कर देना, नानू ने वैसे अबू बकर बोला था। देख ले, नहीं अभी वो देख लेते हैं ना सारी, फिर सारे नाम लिख के ना सबकी पसंद के नाम लिख के हम लोग एक पर्चियां बना के ना रख देंगे, जो निकला फिर वो हम फाइनल कर देंगे। ठीक है वैसे वैसे क्या लग रहा है, आहिल या आरिश दोनों में से बेहतर कौन सा लग रहा है? आरिश, अर्शुमान, अर्शुमान भी यहाँ पे हॉस्पिटल में कल काफी दो बच्चों के नेम थे। अर्शुमान सही, तो या तो जयान, जारियान, जयान नहीं, हम जावियार रख देते हैं। जावियार ये लड़की का नाम नहीं है वैसे, नहीं। लड़के का। अगर यही बात है तो हम इसका नाम रखेंगे मुमताज। क्या नहीं सही, वो देखो वो मुमताज के नाम पे वो भी खेल रहा है, वो खेल नहीं रहा, वो कहता अच्छा नहीं है, बहुत पुराना है और ये बंदों के नाम है। अच्छा कल मैं बच्चा हूँ अभी, छोटा सा। अच्छा छोटा सा बच्चा है तो फिर बेबी बेबी कह देते हैं। हाय
चलो यार अभी थोड़ी देर शुगर लगाते हैं, इसके साथ बेबी के साथ मैं खेलूं, फिर उसके बाद का बाकी का सीन आपको दिखाता हूं क्या करना है यार। One hour later. लो जी आपका भाई हो गया अब तैयार, रेडी शेडी हो गया यार शादी पे जाने के लिए, और मेरे व्लॉग से तंग मेरा अपना ही बच्चा। ओए कौन हुआ ये, नीचे करना ये थोड़ा नीचे। ओए ओ कौन हुआ ये, कौन हो रहा है? मेरे बाप ने इसे कहा है ना कुछ? क्या कहा इसे? सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा आपने इसे? शेप के कलर जैसे रेड येलो ग्रीन। शेप के कलर? शेप कौन सी? जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। और यहाँ पे जी इसे क्या कहते हैं? छुआना। छुआना, चलो मैं फिर छुआना खा लेता हूँ आपकी जगह। छुआना ही कहा है, मैंने छुआना बोल दिया। छुआना नहीं, छुआना तो फिर सहेली है ये तो। बड़ा हरामी हो बेटा, वो शुशवाना जो यार गिरी बादाम घी अंडे यार कभी साढ़े भी इन सेवा होनी चाहिए यार। वैसे ही मानना तो सही होना, वेखो पता नहीं ये ताकत वाली चीजें मैं भी खा सकता हूँ वैसे ना, खा सकता हूँ ना बच्चे पैदा ऐसो नहीं गलत गल है। देखो मैनू कह रही है आपने बच्चे पैदा करने यार, ये बहुत बुरी चीज है यार। हाँ ये भी बताओ ना जरा, दो जवाब जरा, दो जवाब मेरी मामा को। बात तो सही है। वो क्या कर रही है, ये जिप क्यों खोल दी? ओए ये क्या कर रही हो? चुप करा, वो रो तो रहा ही नहीं। वो तो पहले पहले रो रहा था, अब नहीं रो रहा, अब सही है। हाँ जी, हाँ जी, चलो सही है। चलो यार बस अपना पापा का वेट कर रहे हैं, जैसे पापा आते हैं फिर हम लोग निकलते हैं शादी पे। वहाँ पे जाके देखते हैं यार, भूख-शूख बड़ी लगी है। आपको पता है आपके भाई ने सिर्फ खाने पीने जाना है और क्या है, वहाँ पे जाके सिर्फ दो तीन लड़कियां शड़कियां देख लेंगे अपने लिए बस। अच्छे ओ भाई मार, यार क्या हुआ, क्या वो बहुत बुरा मारा यार बंदा, मजाक आ रहा था, और आपका जो सीन है यहाँ पे जरा अंधेरा शंधेरा हाल चाल चेक करो भाई। और हमारे साथ एक मेहमान नए ने ज्वाइन किया, इधर देखा अब्दुल्ला आप क्या लेने आए हो शादी पे है? हमने अच्छा किस हाल में जाना, वैसे आगे जाना है हमने आगे। चलो यार वहीं पे जाके बैठते हैं, वहीं पे जाके ना आपको बाकी का सीन दिखाता हूँ मैं। हमारा जो है ना ये सामने वाला हाल है यार, कोट बड़ा ना तंग कर रहा है मुझे, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। और बाबा हैं और बाबा के साथ उनके एक दोस्त हैं जिन्होंने शादी पे जाना था। मेन सीन ये है कि यार बाबा की ना फ्रेंड की बेटी की शादी है, अचानक मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी निकलता हूँ और हाल चेक करो। हाल जा रहे हैं अंदर, अंदर जाके बाकी का निज़ाम आपको दिखाता हूँ। अभी फीमेल वहाँ मतलब ना वहाँ पे फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा बारात आ गई है, तो थोड़ी देर स्टे कर रखते हैं, कैमरे शैमरे को बंद करते हैं, अंदर बैठ के बाकी का निज़ाम दिखाता हूँ आपको। बताया एक ही काम करना है बस, पेट भर के खाना खाना है और कुछ भी नहीं, अपना सीन है यार। अंदर आ गया बैठ गया और आप जो है ना सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, मतलब मेहमान ऐसा ऐसा आना स्टार्ट हो गए हैं। वो हाल आपको दिखाता हूँ, हाल फ्रंट मतलब क्या बात है यार, काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा डेकोरेट हुआ है। और बाकी ये मेहमान वगैरह और ना लंगर पानी भी चल गया यार, वही धनवान है लंगर पानी जरा चले। और ये बाबा, बाबा के साथ बैठे हुए हैं उनके दोस्त, पहले वो बैग पे नज़र आ रहे थे, अब मैंने कहा चलो फ्रंट कर दो। और भाई बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला कहाँ आए हो और बताओ मुझे कहाँ आए हो, हैं किधर आए हो बताओ भाई। वो गुमसुम हुआ है, सोया हुआ था, सोए को उठा के लेके आए हैं हम। उन्होंने स्पेशली अब्दुल्ला के लिए भेजी हैं स्नैक्स, स्नैक्स खाओ स्नैक्स, चीजी खाओ चीजी, स्नैक्स खाना पीना जो है स्नैक्स लो पापा ही, पापड़ खाओ। लो जी अब जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं सूप, सूप को सबसे पहले टेस्ट करते हैं आप सूप वगैरह ना क्या सीन है। पापा बैठे हैं सामने तो इस वजह से लेफ्ट हैंड नहीं यूज़ करने वाले, हम राइट से खाएंगे सबसे पहले। कैसा सही है? अच्छा मज़ेदार 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 मज़ेदार। हाँ जी क्या हुआ, काफ़ी वेट करने के बाद निकाह हो गया और निकाह के बाद हमें मिली है बेद क्रीम लग गई है मेरे तो क्रीमा का क्रीम डब्बा लग रहा भाई। और डेट भी लिखी हुई है, डेट है 12 22 11
और 24। और ये जनाब ने खाना भी शुरू कर दिया। इतना ही कंजूसी क्यों कर रहे हो तुम? ओए ये क्या खा रहे हो? क्या है, क्या है, पता नहीं क्या बोले जा रहा है जनाब। बाकी सब ने भी आ गए सजा के रखे, ऐसे लग रहे जैसे फेशियल के डब्बे होते हैं भाई। काफ़ी वेट करने के बाद आप जो है खाना वगैरह आ गया, आप खाना स्टार्ट किया है, वो बाबा वगैरह लगे हुए हैं और मैं अपना मुंह नहीं लेके आऊँगा। आवाम सारी खड़ी देख रही है भाई इधर उधर, समझ आया करो ज़रा, मिट्टी पा दियो मिट्टी पा दियो। लो यार हम लोग तो खाना खा के ना बाहर आ गए हैं। खाने की छोटी मोटी वीडियो बनाई थी यार, ज़्यादा नहीं से बना सकते, आपको पता है। फिर पापा के जो दोस्त वगैरह किस तरह के हैं, फिर इस वजह से ना थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करते, बट हाँ खाया आपके भाई ने पेट भर गया। अब्दुल्ला को भी लिया और बाहर आ गए और भाई साहब यहाँ पे अपने ज़रा काम में बिजी हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं बाबा लोग? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ ये वाली गाड़ी में बैठना है हमारी, ये है, हमने इधर बैठना है, ये वाली गाड़ी हमारी है, हमने इधर बैठना है। और आपके भाई ने एक तो फिर अभी वाले सीन किया, देखो ज़रा चाय लेके भाई। ओए दरवाज़ा ये नहीं है दरवाज़ा, वो दूसरी साइड पे है, दूसरी साइड पे है, वहाँ पे जाके बैठो। आते हैं बाबा तो हम लोग निकलते हैं यार, यहाँ पे जाके घर जाके देखेंगे यार, क्योंकि बच्चे बेबी का जो है ना बच्चे का नाम सोचा ही नहीं है। मतलब अब जाके देखते हैं क्या है, दादा वगैरह से उसकी बात करते हैं, दादा से भी बात करते हैं, सारे नाम उनके आगे रखेंगे। आप अंदाज़ा लगा लेना यार कौन सा नाम हम रखेंगे, मैं कमेंट सेक्शन में लाजिम मतलब डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आप लोगों को कि क्या नाम सोचे हैं, तो आप लोग अपने अपने अंदाज़ा लगाना, क्योंकि कल के व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा हमने उसका क्या नाम रखा है। तो आप लोग लाजिम मुझे कमेंट सेक्शन में ना इसी व्लॉग के बताना। लो यार फाइनली जो है ना बाबा भी आ गए हैं और अब हम लोग निकलने लगे हैं घर की तरफ, घर चलते हैं, घर जाके बाकी का सीन देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। लो जी नाले से फकी वाले काफ़ी बैग जरे ने ना जमा कर लिए। ओके फाइनली आपका भाई जो है ना आप घर आ गए और आकर मैंने मैडम को दे दिए ये देखो फेशियल वाले डब्बे, इसके अंदर से ये देखो ज़रा चॉकलेट भी लेके आए। मैंने कहा चॉकलेट खाओ ज़रा, आप आपके लिए अच्छी होती है, क्या देख रही हो ऐसे, खाना मुझे खाना मुझे। फेशियल वाले हैं, किसी की शादी, क्या शादी, और वैसे भी मैंने इतना खास कुछ खाया तो नहीं है पेट भर के। ओहो ओ यार मौके पे डकार आ गई यार, चलो नजर आ रहा है आपका। यार ये देखो आप लोग खुद बताओ ये पेट है, नहीं बातें होती रहती हैं। खैर छोड़ो यार मिट्टी डालो, बेबी जो है अभी छोड़ है, बेबी चोर है। तो अभी का सीन ये है कि यार फीडबैक भी लोगों को करूँ यहीं पे, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन लाजिम प्रेस कर दो। डेली आने इस वजह से थोड़े से छोटे या बड़े होंगे मैनेज कर लीजिएगा। और दूसरी बात इस जनाब का जो नाम है ना हम लोगों ने आज सारा डिसाइड करके फिर सोएंगे, कल के व्लॉग में आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे मेरे माइंड में एक नाम है, मैंने उसे ही फाइनल कर देना कि वही हम रखने वाले हैं, हम उसे चेंज नहीं करने वाले अभी नहीं ना। वो सारे मतलब कॉल आई थी वो भी पूछ रही थी कि अभी तक नाम नहीं रखा, और मामी से भी बात हुई वो भी पूछ रही थी कि अभी तक नाम नहीं रखा। नहीं अभी नाम फाइनल कर लेंगे अभी। हाँ चलो फाइनल कर लेते ना, मैंने नाम सोच लिया हुआ है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजिम अंदाजा लगाना है। मैं 4 से 5 नाम फिर एक बार ले लेता हूँ। मीर दाइम है, मीर बिलाज है, उसके अलावा जो है आहिल है, अबू बकर है, अर्शुमन जो है इंडियन नाम लगता है तो इसका तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है। 4 नाम है, इनमें से कोई एक नाम हम लोग लाजिम फाइनल करेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।